रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पार्क में बैठा शिव अपनी गर्लफ्रेंड वीना का इंतजार कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड वीना आती है और शिव से कहती है, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो जो अपनी गर्लफ्रेंड की परेशानी भी नहीं समझ सकते? पर हुआ क्या, मैं तो कब से पार्क में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरा फोन 6 महीने पुराना हो गया है, मुझे अब एक न्यू फोन चाहिए। तुम पहले बैठो तो सही, फिर बात करते हैं। नहीं, मुझे आज ही नया फोन चाहिए। यार फिर से इसने एक नए फोन की डिमांड कर दी। मैं इसे प्यार करता हूँ और ये मुझे भिखारी बनाने में लगी है। कहीं सच में इसकी डिमांड पूरी करते करते मैं सड़क पर ना जाऊँ। तुम चुप क्यों हो, बोलो, तुम मुझे आज नया फोन दिला रहे हो ना? हाँ बेबी, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, फोन क्या चीज है। ये कहकर शिव वीना को फोन दिलाने जाता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड काफी खुश थी। पर बेचारा शिव परेशान रहता है, क्योंकि हर महीने की 50,000 सैलरी उठाने वाला शिव सारा पैसा तो अपनी गर्लफ्रेंड पर लगा देता था और महीने के आखिर में अपने दोस्त पारस से और पैसे उधार लेता था। एक रोज शिव का दोस्त पारस शिव से कहता है, भाई शिव देख, तू अच्छा खासा कमाता है पर फिर भी उधारी पर जी रहा है, ये प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, पहले अपने करियर पर ध्यान दे, वही तेरे काम आएगा। पर मैं वीना को छोड़ भी तो नहीं सकता ना। मैं तुझे उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तू अपने पैसे बचा, किसी के पीछे बर्बाद मत कर, बाकी जैसी तेरी मर्जी तू कर, मैंने एक दोस्त होने के नाते तुझे समझा दिया है। कुछ दिनों बाद वीना का जन्मदिन आने वाला था और शिव पहले से ही परेशान था कि वीना के जन्मदिन में न जाने कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। शिव यही सोचता रहता है, तभी वीना का कॉल आता है। बेबी तुम्हें याद है ना, मेरा हैप्पी वाला बर्थडे आने वाला है। हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। सो स्वीट बेबी। अच्छा इस बार ना मैं तुम्हें कुछ खास गिफ्ट देने वाला हूँ। नहीं, इस बार गिफ्ट भी मेरी पसंद का होगा और मेरे बर्थडे पर मेरे सारे दोस्त होंगे और हम सब इसे सेलिब्रेट करने कोई महंगा सा रेस्टोरेंट बुक करेंगे। फिर से मेरी लगने वाली है, इस बार तो मुझे भिखारी बना ही देगी। बेबी बोलो भी। हाँ बेबी, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। बर्थडे से पहले शिव और वीना एक रेस्टोरेंट को बुक करते हैं और खाने से लेकर गेम, नाचना गाना सब कुछ अरेंज करवाते हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख का खर्च आता है। और ये देखकर शिव अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, बेबी इतना कुछ करना जरूरी है क्या, इतने पैसों में तुम कुछ भी कर सकते हैं, ये सब फिजूल खर्च है बेबी। मेरे दोस्त सही कहते थे, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चे भी नहीं उठा पाओगे, अभी ऐसा है तो तुम शादी के बाद मेरे खर्चे कैसे उठाओगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था बेबी। इस तरह करीब 1.5 लाख का बर्थडे सेलिब्रेशन भी खत्म हो जाता है और अब शिव के घर की किश्त भरने का समय आता है, जिस पर शिव की माँ अनुपमा शिव से कहती है, बेटा शिव आज आखिरी तारीख है किस्त देने की, तूने किस्त तो भर दी है ना? नहीं माँ। क्यों नहीं भरी बेटा, सबको घर से सड़क पर लाने का इरादा है क्या? माँ मेरी तनख्वाह नहीं आई इस महीने की, इसलिए मैंने किस्त नहीं भरी, मैं आज करता हूँ। ऐसे कैसे नहीं आई, हर महीने तो समय पर आ जाया करती थी। मैं करता हूँ माँ, आप चिंता मत करो। इसी सोच में वो एक पार्क में जाकर बैठता है कि घर की किस्त के लिए वो 40,000 रुपए किस्त से ले। वो अपने दोस्त पारस से पैसे मांग नहीं सकता था क्योंकि शिव ने अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पार्टी के लिए 60,000 रुपए पारस से ही लिए थे। तब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड वीना को कॉल करता है। हेलो वीना, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस मुझे ना 40,000 रुपए चाहिए, घर की किस्त भरनी है। शिव तुम्हें पता है ना, मैं कोई जॉब नहीं करती और इतने सारे पैसे मेरे पापा मुझे नहीं देंगे, तुम अपने दोस्तों से मांग लो ना। इतना बोलकर वीना कॉल कट कर देती है। इस बात से शिव को काफी बुरा लगता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। और जब वो घर आता है तो देखता है घर की किस्त समय पर ना जाने की वजह से कर्जदार उसके दरवाजे पर खड़े हैं और शिव की माँ उनके सामने हाथ जोड़कर कह रही है, आप शाम तक का समय दें, मेरा बेटा शिव पैसे लेने गया है। नहीं मैडम जी, इस घर से आप बाहर जाए और हमें यहाँ ताला लगाने दें। ये देखकर शिव अपनी माँ के पास पहुँचता उससे पहले ही पारस वहाँ आकर कर्जदारों को पैसे देते हुए कहता है, ये लो 40,000 रुपए और हर महीने आपको समय पर पैसे मिल जाया करेंगे। ये देखकर शिव अपने दोस्त को गले लगा कर कहता है, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है मेरे भाई। अरे दोस्त भी मानता है और बातें भी छुपाता है। मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहता था मेरे भाई। शिव को इस इंसिडेंट के बाद ये एहसास हो गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ उसका यूज कर रही है, जिसने उसे आज पटे हाल भिखारी बना दिया था, जिस वजह से वो कर्ज में डूब चुका था और अपने साथ अपने घर वालों को भी मुश्किलों में डाल चुका था। पर वो अब अपने फटे हाल और अपने भिखारी वाली स्थिति को सुधार रहा था।
इसी बीच एक रोज शिव से मिलने आई वीना शिव से कहती है, शिव मुझे इस बार तुम कहीं घुमाने ले चलो। अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, पैसों की दिक्कत चल रही है। मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा पर कुछ समय बाद। तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। बेबी ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर इस समय ना मेरे हाथ में पैसे ही नहीं है जो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूं। जा रही हूँ मैं, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। जा चुड़ैल जा, मेरा पीछा छोड़, तेरी वजह से फटेयाल कंगाली वाला हाल हो गया मेरा। अगले दिन शिव अपने दोस्त पारस के साथ कहीं जा रहा था, तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वीना किसी के साथ गोलगप्पे खा रही है। ये देखकर पारस अपने दोस्त शिव से कहता है, शिव वो देख, वो तेरी वाली ही है ना? हाँ यार ये तो वीना है, पर ये साथ में बंदा कौन है? आजा इसकी खबर लेते हैं। दोनों हेलमेट लगाकर गोलगप्पे की रेडी के पास जाते हैं और वीना उस अनजान लड़के से कह रही थी, विशाल तुम्हें पता है कल मैंने शिव से पैसे मांगे पर उसने मुझे कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि कहीं घुमाने ले चलो, बोलता है मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। ये बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी विशाल कहता है, मेरी प्यारी बहना तूने उसे इस साल में छोड़ा कहाँ है जो तुझे घुमाने ले जाए? बर्थडे पार्टी में 30,000 लगाकर 1.5 लाख का बिल बताया था, वैसे इतने पैसे वो अपने घर वालों को देता तो शायद कर्जदार उसके घर पर नहीं आते। इतना सुनते ही शिव और पारस अपना हेलमेट हटा लेते हैं और पारस गोलगप्पे वाले से कहता है, भैया आप गोलगप्पे खिलाते जाओ और इंजॉय करो। शिव और पारस को देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और वीना शिव से कहती है, शिव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी असलियत को सामने रख के कर रहा हूँ। धोखेबाज लड़की, तुमने मुझे भिखारी बना दिया। मैं तुझ पर जितना पैसा उड़ाता रहा ना उसकी वजह से मैं आज इस हाल में आ गया हूँ कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी तक नहीं है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया, जिससे मैं इतना प्यार करता रहा ना वो हकीकत में मेरे साथ ही खेल रही थी। मुझे बोलने का मौका तो दो। तुम्हें जो बोलना है बोलती रहना, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, समझी? और ये जो भी तुम्हारा लगता है ना, चाहो तो ना तुम दोनों को ना अभी अंदर करवा दूं। पर प्यार किया है ना तुमसे, कैसी परेशानी में देख सकता हूँ? ये मेरा भाई है शिव, कैसी बात कर रहे हो? हाँ तो दोनों भाई बहना लोगों को अमीर बाप की औलाद दिखाकर लूटते हो, सही है। इस इंसिडेंट के बाद शिव बिल्कुल संभल चुका था और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है कि उसने जो किया वो गलत था। इसीलिए कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।